नमस्कार साथियों, आज सुबह सुबह जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से जगाधरी ट्विन सिटी के अंदर जो सुबह 3 बजे एक बड़ा बम जैसा धमाका होता है, आसपास के लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ये अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। भाटिया पेंट्स के अंदर के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी 4 से 5 घंटे तक जो है लटपट आग यहां पर बरसती रही। अंदर जो पेंट के डब्बे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर पूरे जल चुके हैं, पेंट जो है पूरा फैल चुका है। इस तरीके के हालात यहां पर हो चुके थे। काफ़ी मंजर आप देख सकते हैं। अगर छतों की मैं अगर आपको हालत दिखाऊं तो बद से बदतर है। पीछे जो गोदाम से लेकर हर एक चीज़ जो थी वो जल करके खाक हो चुकी है, फिटिंग जल करके खाक हो चुकी है। इस तरीके की तस्वीरें आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। और मैं बता दूं कि मालिक के ओनर लगातार इस बिजली इस शॉर्ट सर्किट का कारण, इस दुकान में आग लगने का जो कारण है, अभी अभी जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मार्केट के लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और वो लगातार एक ही बात पिछले एक साल से लगातार कंप्लेंट करते हुए आ रहे थे कि यहाँ पर लगातार स्पार्किंग होती है। जगह मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले जो बिजली की जो तारें लगी हुई थी वो ये जो दुकान के साथ जो पोल गड़ा हुआ है वहाँ पर लगी हुई थी, और आनन फानन में जैसे आज आग लगती है शाम को बिजली विभाग एकदम से सतर्क होता है। तो ये नए खंभे आप देख सकते हैं, नए खंभे लगाए गए और नए खंभे लगाने के बाद जो है नई तारें लगाई गई, और लगातार पिछले एक साल से जो है बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि लगातार ये कंप्लेंट करते आ रहे थे कि लगातार स्पार्किंग हो रही है। पर इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं बिजली विभाग की एक गलती की वजह से। हालात देखिए, अंदर के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं तो काफ़ी बद से बदतर हो चुके हैं। काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान जो भाटिया पेंट्स को जो हो चुका है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहेगा। हालत काफ़ी बद से बदतर है और बिजली विभाग की जो है कहीं ना कहीं गलती जो बताई जा रही है। आइए, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए, जो पहले तारे लगी हुई थी वो दुकान के साथ एक पोल लगा हुआ था वहाँ पर हाई वोल्टेज तारे थी। लगातार पिछले एक साल से जैसा कि ओनर और मार्केट के द्वारा बताया जा मार्केट के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर स्पार्किंग होती थी, पर लेकिन पिछले एक साल से बिजली विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और उसके बाद जो है इस तरीके का काफ़ी भयावह हादसा हो जाता है, और उसके जिम्मेवार जो बिजली विभाग को ठहरा रहे हैं। एक बार बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला रहा है, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं काफ़ी खतरनाक तरीके का बिजली का सिस्टम था। बिजली विभाग के पोल जो है दुकानों के जड़ से प्रॉपर्टी पर जो पोल लगे हुए थे, जिसकी लगातार एक साल से शिकायत देते हुए आ रहे थे। दुकान के ओनर हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहेंगे, काफ़ी दुखद तस्वीरें देखने को मिली आपके लिए, तो बहुत ही ज़िंदगी का बड़ा बुरा दिन होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपिंदर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसको गुनहगार मानते हैं आप इस पूरे वाक्य में? इस वाक्य में मैं बिजली विभाग को गुनहगार मानता हूँ। इन्होंने हमारे प्रेमाइसिस में एक खम्भा लगाया हुआ था, एंगल लगाया हुआ था हमारी बिल्डिंग, और आए टाइम उसमें स्पार्किंग होती रहती थी। परसों भी स्पार्किंग हुई है और लाइट चली गई है। हमने कंप्लेंट इनको लगातार लगभग एक साल से कंप्लेंट कर रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमें बताया जा रहा था कि लगभग इसको काम खंभा निकालने के लिए 3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये बिजली विभाग द्वारा कहा गया था। ये बिजली विभाग द्वारा कहा। तो आज कैसे इन्होंने नए खंभे और नए पोल लगा दिए? आज इनको अपनी आई दिखा तो इन्होंने आज तो मैं कहीं नहीं गया। आज जो है अपने जो है आगे इन्होंने नया खंभा लगा दिया। हाँ जी, तो लगातार आप शिकायत कर रहे थे, कोई संज्ञान नहीं लिया गया बिजली विभाग? कोई सुनवाई नहीं हुई जी। इसको जिम्मेवार मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का? बिजली विभाग को जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें, बिजली विभाग, जी हाँ, बिजली विभाग कहीं ना कहीं पूरा जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। नहीं सर, खंभा नहीं था, इन्होंने हमारी बिल्डिंग के बीच में इन्होंने एंगल लगा रखा है। खंभा नहीं था, इन्होंने हमारी बिल्डिंग के बीच में एंगल लगा के तारे रोक रखी थी। वो देखो प्रूफ है, वो प्रूफ है, हमारी बिल्डिंग के अंदर
खंबा लगा रखा है। कोई लिखित शिकायत दी थी कोई है आपने? हमारे पास सारे प्रूफ है। आज इनकी खंबा लगाते की चैलेंज करेंगे बिजली विभाग को जो पूरा नुकसान? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पूरा चैलेंज करेंगे। हमारे पास सारी वीडियो है, सारे प्रूफ है। आज इनको अपनी आई पे दिखी ना? आज इनको दिखा हाँ जी दो आज 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 दो घंटे में खम्भे भी चेंज हो गए और लाइन भी चेंज हो गई, तारे भी लग गई दो घंटे में। तो इन इसके लिए मुआवजे की मांग करेंगे आप? बिजली विभाग केस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या चाहेंगे? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग 1.5 से 2 करोड़ का। क्या किसी का माल था अंदर? पेंट का माल था सर। सारा खत्म हो गया? बिल्कुल स्वाह हो गया। पूरी जिंदगी की कमाई थी। जिंदगी की कमाई, मैं पहले ही लोन के कर्जों में दबा हुआ हूँ। अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कहाँ से। तो प्रशासन का कोई अधिकारी किसी ने कुछ हाथ दिया है? हौसला भी हम आपके कुछ नहीं, अधिकारी मंडल से कुछ बात हुई है? अभी कोई नहीं आया। तो देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर, जो हालात देख सकते हैं आप किस तरीके के यहाँ पर हुए थे। बिजली विभाग की गलती सरासर बताई जा रही है कि बिजली विभाग के लगातार एक साल पहले से जो कंप्लेंट शिकायत देते आ रहे थे कि इसमें जो है स्पार्किंग होती है, पर लेकिन बिजली विभाग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज जैसे ही इनका 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हो जाता है जी, वो अनथराइज लगा रखा है किसी की बिल्डिंग में, वो किसी की हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी के बीच में उन्होंने एंगल लगा रखे हैं जी। देखो वो देखो सामने प्रूफ है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके बीच में इन्होंने अपनी एंगल लगा के उसके ऊपर तारे लगा रखी थी। हमने इनको बार बार कहा है कि प्लीज़ इनको हटा दो, प्लीज़ इनको हटा दो। इन्होंने हमारे को 3.5 लाख का खर्चा बताया, तो हम कहाँ से देते? तो आप जब ये खंभा चेंज कर रहे थे उस समय कहाँ थे? यही थे, हमने सब वीडियो बनाई है जिनकी। सारी वीडियो है, सारी कौन सुनता है? कुछ नहीं सुन, कोई नहीं सुनता। सारी वीडियो बनाई है। तो क्या आप चैलेंज करेंगे, इसकी शिकायत देंगे आप? करेंगे, शिकायत भी करेंगे, लेकिन सुनवाई तो यहाँ, अगर हमारी सुनवाई होती थी आज ये हमारा इतना। तो आपके पास जो आज बदलने आए होंगे कुछ वीडियो तो होगी? सारी है, सारे देख सकते हैं किस तरीके से जो है आज बिजली विभाग के जी हाँ बिजली के विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं और किस तरीके से अपनी गलती को छुपाने के लिए यहाँ पर जो है लाइनें बदल देते हैं और किस तरीके से बिजली विभाग की एक गलती की वजह से, क्योंकि एक साल पहले शिकायत की थी कि यहाँ पर स्पार्किंग होती है और इस तरीके से बिजली विभाग की गलती की वजह से इस पूरी दुकान में जो है भयंकर आग लग जाती है। 1.5 से 2 करोड़ का भारी नुकसान इन्हें देखने को मिल रहा है। काफ़ी परेशान है क्योंकि पूरी जिंदगी की पूंजी है वह पूरी इनकी बर्बाद हो चुकी है और इस समय ये लगातार अब बिजली विभाग के साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं कि चैलेंज करेंगे बिजली विभाग को कि आपकी गलती की वजह से हुआ है। जो 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 जी जो काम कहते थे कि हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, आज इन्होंने 2 घंटे में अपने आप ना परमिशन ना कुछ, सारा कुछ लगा दिया। आज सारा कुछ तारे भी लग गई हैं, खंबे भी लग गए हैं, जिसकी परमिशन चाह रहे कह रहे थे ऊपर से अफसरों से परमिशन लेंगे। आज कहा, आज एकदम लग गया, कैसे लग गया? यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो में, पहले पुरानी वायर्स हटाई हैं फिर नई वायर्स लगाई हैं। इस एंगल के ऊपर से वायर्स जा रही थी, थोड़ी सी भी हवा चलने पे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता था, स्पार्किंग होती थी, परसों हमारे कैमरास जले हैं, LED जली हैं और साथ में कार को भी नुकसान होने की संभावना थी उस वक्त, और उसके बाद कल रात फिर हवा चली है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी है। मतलब कि LED और कैमरे पहले ही फूक चुके थे, 2 दिन पहले ही फूक चुके थे। उसके भी हमारे पास अभी भी पुराने अडेप्टर भी पड़े हैं, नए लगाए हैं और कंप्लेंट की हुई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिलहाल देख सकते हैं कंप्लेंट की हुई है, काफी मायूस है क्योंकि पूरी जिंदगी भर की जब पूंजी है इस तरीके से। LED मेरा जल रहा है जी, 16 तारीख की सैटरडे को। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है, किस तरीके से जो है ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है इनकी LED जो है जलकर स्वाह हो जाती है इस शॉर्ट सर्किट, इस स्पार्किंग की वजह से। ये तस्वीरें देख सकते हैं बिजली विभाग की, कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जी, LED लगी हुई थी, आज उसकी कंडीशन देख लो वो पड़ी हुई है, काफी दिखा सकते हैं, जल चुकी है, मतलब जल नहीं खत्म हो चुकी, कुछ भी नहीं उसके अंदर। तो देख सकते हैं एक बार दुकान की मैं आपको हालत दिखा दूं, सुबह यहाँ पर आग की लपटें निकल रही थी, भारी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओनर परेशान है, आसपास के लोग यहाँ पर मार्केट के लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार बता रहे हैं कि बिजली विभाग को आज से एक साल पहले इसकी शिकायत दे दी गई थी पर लेकिन उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज शुक्र करो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ उजड़ गया है, हमारा कुछ नहीं रहा,
सिर्फ इनकी इनकी नेग्लिजेंसी से। अगर ये 10-20 दिन या महीना जब हमने कंप्लेन की थी इसको ठीक कर देते, जो आज की है इन्होंने, जो आज की है, अगर अगर ये पहले ठीक कर देते तो हम बच जाते। अब अपना पैसा खाने के चक्कर में इन्होंने इतना नेगलेक्ट किया है हमारी जो दी हुई कंप्लेंट्स है उसको, कि आज ये हालत हो गई है शॉप की, पूरी शॉप जल के बर्बाद हो गई है। इनको दर्द भी नहीं है, इनको क्या दर्द है, दर्द तो हमें है जिनका नुकसान होगा। तो ये हालत हो चुकी है, सिर्फ बिजली विभाग की एक कमी की वजह से बिजली विभाग में कंप्लेंट देते हैं पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं बिजली विभाग किस तरीके से खंभे यहाँ पर लगा देता है, नई तारे लगा देता है, जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो पहले सरकारी तारें यहाँ पर लगी हुई थी, अब इसका आखिर जवाब बिजली विभाग किस तरीके से देगा, क्योंकि आपकी वीडियोज़ भी यहाँ पर आ चुकी है। जब आपको पता था, पहले कंप्लेंट आ चुकी थी कि इस तरीके से स्पार्किंग होती है, कुछ भी जान माल की हानि हो सकती है, आज करोड़ों रुपये का नुकसान, पूरी पूंजी जो है भाटिया पेंट्स को जो है यहाँ पर देखने को मिली है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा, और मेरी भी आप लोगों से अपील रहेगी, आपके एक शेयर जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो आप मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।